हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू डी एम बट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में गाला के सोशल साइंस के स्टैंडर्ड 10th के पेपर नंबर 2 का सोल्यूशन सॉल्व किया था, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं गाला पेपर नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाला पेपर नंबर 3 में हमें दिया गया है मैच द पेयर्स करेक्टली। तो मैच द पेयर करेक्टली को हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी, ऐसे दो सेक्शन हमें दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड योगा डे, तो उसके उत्तर में आएगा ऑप्शन बी विच इज़ 21st of June। वर्ल्ड योगा डे को हम किस डे पे सेलिब्रेट करते हैं, तो भाई वो है 21st of June, तो फर्स्ट में आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद सेकेंड नंबर में हमें यहाँ पर दिया गया है झूलता मीनारा, तो उसके आंसर में आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ अहमदाबाद। झूलता मीनारा भाई कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है अहमदाबाद में, तो सेकंड में ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में हमें पूछा गया है जामा मस्जिद, तो वो कहाँ पर है, तो भाई वो है चंपारण में, तो इसलिए थर्ड में ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फिर एक बार मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली जो है उनके आंसर्स मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट में आएगा ऑप्शन बी, सेकंड में आएगा ऑप्शन डी और थर्ड में आएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो चलिए उनके भी उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, सबसे पहले स्वामी विवेकानंदा अटेंडेड द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यूयॉर्क US, तो नहीं भाई ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है, तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर फॉल्स जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो हाँ भाई ये बात बिल्कुल ही सही है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है। फिर देखिए उसके बाद आगे क्या दिया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1960 टू कंस्ट्रक्ट रोड्स इन बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री, तो हाँ भाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थी वो एस्टैब्लिश की गई थी 1960s में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ट्रू। तो देखिए फिर एक बार जो है ट्रू और फॉल्स के आंसर जो है वो हमें बोल देती हूँ, तो आप सुन लीजिए। फोर्थ में आएगा फॉल्स, फिफ्थ में आएगा ट्रू और सिक्स्थ में आएगा फिर एक बार ट्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और टू, तो चलिए उनके भी जो उत्तर है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेवन नंबर में हमें पूछा गया है व्हाट टू थिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोगैस प्लांट, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं बायोग्लास गैस प्लांट में से, वो मैंने लिख रखी है, वो है मोलासिस, डंग एंड एग्रीकल्चरल मटेरियल्स, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है एट नंबर में, फिफ्थ जून हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज विच डे इन द वर्ल्ड, तो भाई हम सभी को पता है कि फिफ्थ जून जो है वो हम एनवायरमेंट डे के तौर पर मनाते हैं, तो एट्थ में हमारा आंसर हो जाएगा एनवायरमेंट डे। फिर देखिए नाइन्थ में क्या दिया गया है, ड्यू टू विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिड इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल फील्ड, तो देखिए उसका आंसर क्या है, एस फोकस हैज ओनली बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, भाई हमें पता ही है कि जब से इंडिया को आज़ादी मिली है तब से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया है इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, और उसी की वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो इंडिया में हमेशा ही पीछे रहा है, वहाँ इस प्रकार से नाइन नंबर का कुछ आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में हमें ऑप्शंस दिए होंगे और फिलिप्स दिए हैं हमें, तो उनको हमें सॉल्व करना है। टेंथ में देखिए क्या बताया गया है हमें, तुलसीदास रोट द फेमस बुक रामचरितमानस इन ब्लैंक लैंग्वेज, तुलसीदास ने भाई रामचरितमानस जो है वो कौन सी लैंग्वेज में कौन सी भाषा में लिखी थी, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अवधि। फिर देखिए 11th नंबर में क्या दिया गया है, इरिगेशन बाय ब्लैंक इज प्रैक्टिस्ड मोर इन ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन विच इज पॉन्ड्स। फिर देखिए उसके बाद 12th नंबर में क्या दिया गया है, एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मर एन आर्टिजन बिजनेसमैन अ टीचर एक्सेट्रा आर नोन एज ब्लैंक एक्टिविटीज, भाई एक फार्मर की जो एक्टिविटी होती है, एक आर्टिजन की जो एक्टिविटी होती है, एक बिजनेसमैन की जो एक्टिविटी होती है, या फिर कह लो एक टीचर की जो एक्टिविटी है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, तो भाई ऑब्वियसली वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिकॉज इट इज़ डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट और मनी, तो 12th में जो फर्स्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक वो हमारा कुछ आंसर बन जाएगा।
फिर देखिए आगे हमें दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनका भी एक बार सोल्यूशन हम देख लेते हैं। 13th नंबर में क्या पूछा गया है देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट इरीगेटेड एरिया इन इंडिया कंपेयर टू इट्स टोटल कल्टिवेटेड एरिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। उसके बाद 14th नंबर में देखिए हमें एक लोगो दिया गया है और हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि भाई ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर दिया गया है द गिवन लोगो इज ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो कुछ ग्लोब जैसा जो सिंबल है वो किसका है, तो भाई वो है ISO का। ठीक है, ये जो सिंबल है वो किसका है, ये सिंबल है ISO का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 15th नंबर पर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई दैट। तो भाई इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, विच इज प्रोडक्शन। फिर देखिए आगे हमें क्या दिया गया है। वेन इज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। भाई वर्ल्ड डिसेबल्ड डे जो है वो हर साल किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, विच इज 3rd of December। देखिए ये सारी जो मैटर्स हैं उनको आप याद रख लीजिएगा, ताकि अगर ये मैटर्स आपकी एग्जाम में आती है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो फिर एक बार जो MCQs हैं उनके आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। 13 में आएगा ऑप्शन ए, पंजाब। फिर उसके बाद 14 नंबर में आएगा ऑप्शन बी, विच इज़ ISO। 15 नंबर में आएगा ऑप्शन डी, विच इज़ प्रोडक्शन। उसके बाद 16 नंबर में आएगा ऑप्शन ए, विच इज़ 3rd of December। फिर यहाँ पर हमें दी गई है मैप। ठीक है, तो मैप जो है उनको हमें दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके और में सुंदरबन सेंचुरी दी गई है। उसके बाद दिया गया है वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैड़ी और उसके और में हमें दिया गया है वन रीजन प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी। उसके बाद वन सेंटर ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज विथ नेम, नेम के साथ हमें कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो है उसको दर्शाना है। और उसके और में वन सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमें दी गई है। उसके बाद रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया अहमदाबाद विथ वन जंक्शन दिया गया है। और इंडियाज नेशनल लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 44 विथ एनी वन जंक्शन, इतनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं हमने मैप में इन इन चीज़ों को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हमें काजीरंगा नेशनल पार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को हमने इस तरीके से कुछ एक सर्कल की तरीके से दिखाया है। और उसे हम कहाँ दिखाएंगे, तो भाई इंडिया की राइट साइड में कुछ यहाँ पर दिखाएंगे, जहाँ पर मैंने रेड डॉट किया हुआ है। उसके बाद उसी के और में हमें सुंदरबन सेंचुरी को दिखाने के लिए बोला गया था। तो सुंदरबन सेंचुरी जो है उसको हमने एक ट्रायंगल की मदद से रिप्रेजेंट किया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इस बॉटम में मैंने एक स्क्वायर की मदद से सुंदरबन सेंचुरी जो है उसको रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए ये जो स्क्वायर है रेड कलर का वो बन जाता है हमारा सुंदरबन सेंचुरी। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है। उसके बाद वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैड़ी हमसे पूछा गया था। तो वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैड़ी उसको हमने एक स्टार की मदद से रिप्रेजेंट किया है। तो ये देखिए आप यहाँ पर 3 स्टार मैंने किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वन रीजन प्रोड्यूसिंग पैड़ी। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है रेल रूट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वाया अहमदाबाद विथ वन जंक्शन। तो देखिए मुंबई से दिल्ली का जो रेल रूट है उसको कैसे दिखाना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुंबई से दिल्ली तक आपको इनको खींचना है और जयपुर को आप एज अ जंक्शन दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर कॉफ़ी प्रोडक्शन की भी हमें बात दी गई थी, हमें एक ऐसा प्रोविंस बताना था कि जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता हो। तो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ पर कर्नाटका में जो है उसका प्रोडक्शन दिखाया है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को दिखाने के लिए बताया गया था। तो कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को एक ट्रायंगल की मदद से यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक ट्रायंगल की मदद से घटशिला को आप कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई मैप की बात। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर नंबर 3 जो है उसका सोल्यूशन भी कम्प्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला बटन दबा के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो और उसके बगल में जो बेल वाला आइकन दिया गया है उसको प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।